अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं 10 साल की बच्ची का ट्राउज़र बनाऊंगी पजामे की तरह। तो उसके लिए ये मैंने पजामे की कटिंग करके ये मैंने सिलाई कर लिया हुआ है। इसका नेफा नहीं अभी बनाया, लेकिन आपकी कुल लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है इसकी कटाई। ये मैंने इस आगे येलो कलर का पीस लगाना है, तो ये मैं 1.5 इंच का पीस लगाऊंगी, तो मेरी 34 इंच तैयार हो जाएगी, 34। तो अब मैंने इसको ये डिज़ाइन इसको बनाना है, और डिज़ाइन के लिए मैंने ये पट्टी ली हुई है, तकरीबन 2 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 9.5 है, क्योंकि मैंने इसको जब मैंने ये डिज़ाइन बना लेना है तो मैंने इसको इस तरह ऐसे इस की मदद से इसको अंदर की तरफ करके तो इधर सिलाइयाँ लगा लेनी है इस तरह। लेकिन पहले मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी, और डिज़ाइन के लिए मैंने ये वाली ली हुई है पट्टी, तो उल्टी साइड पे मैं डिज़ाइन लगाऊंगी, क्योंकि मैं इस तरह का मेरून कलर का धागा जो आम सिलाई करने वाला है उसी को मैं डबल करके या 3 पीस करके तो मैं उस पर खिड़की में भरूँगी, तो फिर मैं इस पर सिलाइयाँ लगाऊँगी। तो ये पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये डिज़ाइन बनाना है इस तरह। देखिए 1 इंच से थोड़ा कम ही है, लेकिन ये जो एंची टेप है मैं इसी को ऐसे रख के तो इधर मैं ऐसे ये निशान लगा रही हूँ। आपने ये निशान इसी तरह लगा लेने हैं। ये बच्ची है तो इसकी जो डब्बी बनेगी वो मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगी, ये मैं इसके मुताबिक बना लूंगी। तो ये हो गया, अब मैंने इसको इस तरह कर लेना है, इस तरह ये मेरी डब्बियां ऐसे बनती जाएंगी इस तरह। ये जो दरमियान वाली डब्बी होगी, ये वाली चीज, ये वाली, इस पे मैंने सुई धागे से डिजाइन करना है। फिर ये पहले सिलाइयां लगा चुकूंगी, तो अब मैंने इस पे फिरकी में धागे भर के धागा डबल करके तो भरूंगी, तो फिर मैं इस पे सिलाइयां लगाऊंगी। ये देखें, ये मेरून कलर का धागा जो सिलाई वाला जिसके साथ मैं पजामा सिलाई कर रही हूँ, तो ये 2 दफ़ा मैंने फिरकी में भर लिए, और तीसरा ये मेरी नलकी में, यानी कि ये 3 धागे हैं। तो इसको मैं ऐसे भर के तो इसके साथ मैं वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। ये इतना मोटा हो जाएगा। अगर आपके पास एंकर का धागा है या आपके पास मोटा धागा है तो आप वो फिरकी में भर लें, लेकिन मेरे पास नहीं था तो वो मैंने यही धागा भर लिया। अब मैं इसको इसी तरह ये सिलाइयाँ ये वाली सारी की सारी कवर करनी है।
ये सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने। अब इसको मैंने इस तरह ये चीज़ इस तरह कर लेनी है और इधर से भी इस तरह, फिर दरमियान में ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली। तो आपने ये वाला धागा लेना है, ये मैंने डबल धागा डाला है, तो ये चार इसके हो गया धागे। तो अब मैंने ऐसे करके, तो इस तरह करके ये मैंने वापस नीचे इधर रख लेना है, ऐसे रख के। तो ये वाला जो फूल है, जिस तरह तक आपका ये छोटा आप बनाना चाह रहे हैं, तो उधर से आपने इधर वैसे ही इस तरह ऐसे टांका लगा लेना है। फिर आपने इसको वापस दरमियान में ले जाना है सुई को इस तरह। फिर हमने इसको ऐसे डाल के, जिधर तक हमने ये फूल बनाया हुआ है उधर तक हमने फिर ये इस तरह डाल के इस तरह आपने ये ले लेना है, ये फूल इस तरह बन के। फिर आपने वापस दरमियान में सुई ले जानी है। ये एक तो इसका इधर टांका लग जाएगा, दूसरा ये फूल बनता जाएगा। फिर आपने ये देख लेना है कि इधर से आपने धागा ये देखे, इधर इसको इधर कर लेना है, ये चीज़ ऐसे हो, ऐसे करके इस तरह। फिर आपने ये धागा ऐसे दरमियान से लेके ये अंदाज़ा कर लें कि ये कितने तक इसका फूल बन इसके बराबर आएगा, आपने उसको इस तरह ले लिया। जब आप दरमियान में से ऐसे धागा निकालेंगे इस तरह ऐसे, तो ये इस तरह ये फूल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला फूल भी मैंने वापस धागा दरमियान में रखना है डाल के। तो फिर आपने ये वाला इसको आपने ऐसे करके, तो जिधर आपको समझ आती है कि ये इसके बराबर हो, फूल पत्ती पंखड़ी बनती जाएगी, आपने उसको इसी तरह ऐसे ये फूल बना देना है। ये अब फूल बन गया, ये सारे के सारे फूल मैं इधर बनाती जाऊंगी। तो इसी तरह ये फूल बना के, तो मैंने इसको कपड़े को इस तरह करूंगी और इधर से इस तरह, तो ऊपर से भी इस तरह करके तो ये चीज़ मैं इधर लगा लूंगी इस तरह लगा के। तो मैं इधर जब इसको इसकी मदद से इस तरह करके करूंगी तो ये नीट हो जाएगा। फिर मैं नीचे इसकी येलो पट्टी इतनी लगा के तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये फूल बनाए मैंने, फूल बना के तो ये मैंने इधर इसको इस्त्री के साथ ऐसे डबल किया था, डबल करके मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये मैंने पट्टी लगाई है, ये मैंने ऊपर ही लगाया है, ये देखिए इसको खोल के कपड़े के अंदर सिलाई लगा के मैंने इसको अंदर नहीं सिलाई लगाई, तो मैंने ऊपर ही इसको रख के लगा लिया। तो इसी तरह मैंने ये दूसरी साइड भी बना ली है, ये दोनों साइड मेरे क्लियर है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको फ्रॉक के घेर पर भी बना सकती हैं, कमीज की फट्टी पे या कमीज की घेरे पे बना सकती हैं, तो मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकती हैं आप। ये डब्बियाँ बनी हुई हैं, कोई फूल बना सकती हैं, आले इस तरह लहरी बना सकती हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।